रादौर के सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय महिला अधिवेशन में बतौर मुख्य अतिथि पहुंची सीपीएस सीमा त्रिखा ने विपक्ष पर जमकर भड़ास निकाली। प्रदेश में विकास की धीमी गति पर त्रिखा ने विपक्ष का नाम लिए बगैर कहा कि पुरानी बीमारियों को ठीक करने में समय लग रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रदेश के चहुंमुखी विकास के लिए प्रयासरत है, काम करने की परियोजनाएं बन रही हैं और आने वाले समय में थोड़ा सा समय दें, क्योंकि पहली बार हरियाणा अपने स्वर्ण जयंती वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है और इस 50 साल के हरियाणा में शायद पहली बार बीजेपी को अपने दम पर जनता के माध्यम से सेवा देने का मौका मिला है। तो कुछ पुराने जख्म भी होते हैं, उन जख्मों को ठीक करने में समय लगता है। अगर हल्का फुल्का जख्म है तो जल्दी ठीक हो जाता है, और कभी कैंसर जैसे जख्म भी कई जगहों पर छूटे हुए हैं, तो समय चाहिए, लेकिन काम निरंतर चल रहा है। कार्यक्रम होते हैं चाहे वो किसी भी संस्था के बैनर के तले हों। रादौर से एजआरटीवी न्यूज के लिए कुलदीप सैनिक।